हेलो एवरीवन, वर्सेटाइल नेचर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ बेस्ट क्रिपर्स एंड वाइन्स शेयर कर रही हूँ जो आपके घर के लिए बहुत ही अच्छी है। ये फूलों वाली बेल अगर आप घर में लगाएंगे तो आपकी बालकनी और छत पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ये लुक देंगे। तो ये सारे जो वाइन्स हैं और क्रिपर्स है यही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो वाइन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बेल वाला पौधा जो कि राखी फ्लावर या फिर पैशन फ्लावर भी बोलते हैं जिसे। और देखिए इस तरीके से इसमें फ्लावर आते हैं। और ये जो फ्लावर है ये कई बार मैंने मेरे गार्डन में आपके साथ शेयर भी किया है। और इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं और इसे बांस से सहारा देकर आप इसे ग्रो कर सकते हैं गमलों में। और उसके अलावा आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं, कहीं से भी आप इसे रस्सियों से सहारा देकर और जिस डायरेक्शन में इसे आप जिस तरीके से लगाना चाहते हैं वैसे ही इस बेल को लगा सकते हैं। कहीं पर भी बालकनी में और रेलिंग्स जो होती है उनमें लगा सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और गमले में मैंने देखिए दो प्लांट लगा रखे हैं, आप चाहे तो पॉट की साइज़ देखकर प्लांट्स ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अब इसे कौरव पांडव फूल भी कहा जाता है क्योंकि ये इसकी जो बनावट होती है, देखिए आप इसके आउटर साइड में बहुत सारे पर्पल कलर की जो बनावट है ये है कौरव का प्रतीक। और बीच में जो ये जो बीच का जो इसका पार्ट होता है इसमें पांच कलियां होती है जिसे बोलते हैं पांडव। तो ये पांच पांडव और 100 कौरव का प्रतीक होता है, इसलिए इसे कौरव पांडव फूल भी कहा जाता है। तो ये बेस्ट फ्लावर वाइन है और इसमें ये सारे कलर्स भी मिल जाएंगे आपको। तो जो भी कलर अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। तो नेक्स्ट जो ऐसी वाइन है जो कि आपके बालकनी को बहुत सुंदर बना देगी और आपकी छत पे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, तो कहीं भी इसे आप ग्रो कर सकते हैं, वो है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी जो वाइन है ये भी बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है। देखिए इसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और बहुत सारे कलर्स में आपको मिल जाएगी। डार्क पिंक में भी आती है और इस तरीके से लाइट पिंक में भी आपको मिल जाएगी। आपको इसे या तो बांस के सपोर्ट से आप इसे कहीं लगा सकते हैं ये बेल, या फिर आप कहीं भी इसे सपोर्ट देकर जिस डायरेक्शन में आप इसे लगाना चाहे वहाँ इसे लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देती है, बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग होती है, पर इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये सुबह सुबह आपके गार्डन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगी। और 12 बजे बाद इसके जो फ्लावर है वो बंद हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे वापस मॉर्निंग में खिल जाते हैं, इसीलिए इसे मॉर्निंग ग्लोरी वाइन कहा जाता है। और बहुत अच्छे से ये चल जाती है और फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसे, तो कम फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करती है, बस इसे बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है हमारे गार्डन में या फिर बालकनी में या टेरेस पर। आप जहाँ भी एक ऐसा एरिया बनाना चाहते हैं जहाँ पर इस तरीके की कोई भी वाइन लगाना चाहते हैं घर में, तो मॉर्निंग ग्लोरी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, ये आप लगा सकते हैं। और इसमें बारिशों के दिनों में हैवी फ्लावरिंग होती है और बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन भी इसके सीड्स मिलते हैं, सीड से ही ग्रो हो जाती है, बहुत इजीली ग्रो हो जाती है और बहुत अच्छे इसके फ्लावर के कलर होते हैं और सुबह सुबह ये हमारे गार्डन को बहुत सुंदर बना देती है। तो नेक्स्ट जो वाइन है वो है अपराजिता या बटरफ्लाई पी भी कहा जाता है। ये भी देखिए रेड कलर में, पिंक कलर में, वाइट कलर में और ब्लू कलर में, लाइट ब्लू में और डबल पेटल में भी बनाती है और लाइट पिंक में भी ये जो फ्लावर्स हैं वो देखे जा सकते हैं। और ऑनलाइन भी इसके सीड्स मिल जाते हैं, तो ये वाइन भी आप लगा सकते हैं। कहते हैं कि जहाँ ये जो अपराजिता की वाइन होती है वहाँ आप जीवन में किसी भी तरह की युद्ध में या फिर किसी भी तरह आप कभी हारते नहीं हैं, हमेशा आपको जीत ही मिलती है, तो इसीलिए इस प्लांट का नाम अपराजिता है। तो अपराजिता का मतलब ही यही होता है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो इस तरीके के प्लांट्स जो है, वाइन जो है वो आपको ज़रूर लगानी चाहिए। ये देखिए डबल पेटल फ्लावर है, ये ब्लू में डबल पेटल फ्लावर्स मिल जाएंगे, इनके भी सीड्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। बहुत ही सुंदर लगती है ये हमारे गार्डन में, बालकनी में या टेरेस पर, आप जहाँ लगाना चाहें। आप इसे बांस से सपोर्ट दे सकते हैं, रोप से, रस्सी से आप इसे लगा सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर से इसमें फ्लावरिंग होती है। ये वाले जो फ्लावर्स है ये सिंगल पेटल फ्लावर्स है और ये मैंने अपने गार्डन में लगा रखी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स जो है। और ये सारे जो फ्लावर्स है आपके गार्डन को और भी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं।
तो ये भी आप ज़रूर लगा सकते हैं। अगर आप वाइन लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो वाइन आती है वो है क्लेमेटीज वाइन। क्लेमेटीज जो वाइन होती है ये फेब के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, और बारिश स्टार्ट होने से इसमें जो है बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस तरीके से अभी इसमें बर्ड्स आ रही है, और अब इसमें हैवी फ्लावरिंग जो है वो बारिशों के दिनों में स्टार्ट होगी, और अक्टूबर तक इसमें बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग हो जाएगी, और फिर ये प्लांट जो है वो डोमेंसी में चला जाता है। देखिए एक ही प्लांट है लेकिन देखिए इसमें चार बांस से सपोर्ट दिया हुआ है, इतना ये प्लांट जो है वो फैल जाता है। और इन सारे वाइन्स के लिए अगर आप घर में लगाते हैं तो बड़े पॉट दीजिए, बड़े पॉट में बहुत अच्छी ग्रो होते हैं। कम से कम 12 से 15 इंच तक के जो पॉट्स होते हैं, या 10 इंच से बड़ा ही पॉट लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्लेमेटीज वाइन के देखिए इस तरीके से फ्लावरिंग होती है, वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर फ्लावर होते हैं। इनके जो फ्लावर्स है वो एक साथ बंच में बहुत सारे आते हैं और आपके जो गार्डन है उसको बहुत ही सुंदर बना देते हैं। आप इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, तो डेकोरेटिव आइडिया में मैं आपके साथ अभी साथ साथ में शेयर करती जा रही हूँ कि कैसे आप इसको लगा सकते हैं, बांस से सपोर्ट दे सकते हैं, किसी वॉल के सपोर्ट से इसको इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं कि जो आपकी वॉल है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। बालकनी में भी आप इसे लगा सकते हैं, रेलिंग पर भी इसे बहुत अच्छे से इसके फ्लावर्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये जो वाइन होती है बहुत ज़्यादा सुंदर से सफ़ेद कलर के जो फ्लावर होते हैं वो हमारे गार्डन को, हमारी बालकनी को, हमारी छतों को और भी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। तो नेक्स्ट जो फ्लावर प्लांट आता है इसमें वाइन आती है वो है जैस्मीन या चमेली वाइन। जैस्मीन या चमेली में भी देखिए इस तरीके से इसकी वाइन होती है, और इसे भी मैंने बांस से सपोर्ट दिया हुआ है, और इसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं, ये भी बहुत अच्छी ग्रो होती है और बहुत हाइट तक जाती है। छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, मोगरा से थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इस तरीके से इसके फ्लावर्स होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी वाइन है। अगर आप कोई वाइन लगाना चाहते हैं तो चमेली भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सफ़ेद कलर के फ्लावर्स के लिए। नेक्स्ट जो आता है वेडेलिया वाइन। वेडेलिया भी देखिए मैंने अपने गार्डन में लगा रखी है, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर वाइन होती है। इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। इस तरीके से आप भी कहीं इसे ऐसे ट्रेल करवा सकते हैं, कहीं डेकोरेशन में इस तरीके से मैंने हैंगिंग में लगा रखा है, तो आप किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से ये ग्रो हो जाती है, और इसमें येलो कलर के इसमें फ्लावर आते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं इस तरीके से, और सनफ्लावर जैसे येलो कलर के होते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और आप इस जो वाइन है इसे कहीं भी लगा सकते हैं, बालकनी में ग्रो कर सकते हैं। इसे मॉर्निंग की धूप चाहिए होती है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, और ज़मीन पर अगर आप इसे लगाते हैं तो ये ग्राउंड कवर कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये जो वेडेलिया वाइन है बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है रेलवे क्रिपर। रेलवे क्रिपर जो है ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला वाइन कह सकते हैं, क्रिपर कह सकते हैं इसे भी। ये भी बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है, और इसमें भी बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग होती है। बंच में इसमें भी फ्लावर्स आते हैं पर्पल कलर में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाले फ्लावर्स है। इस तरीके से आप देखिए पूरी जो ये रेलवे क्रिपर है आपके वॉल को पूरा ढक लेती है। नेक्स्ट जो वाइन है वो है मधुमालती। मधुमालती भी आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, वाइन है, और इसे झुमका बेल भी कहा जाता है। झुमका बेल और रंगून क्रिपर भी कहते हैं, जो इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही प्यारे रेड कलर के और पिंक कलर के मिक्स फ्लावर्स होते हैं। इस तरीके से आपको फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, झुमके की तरह लटकते रहते हैं बेल पर, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है इसमें, और ये घरों में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाती है और कम से कम 5 से 10 साल आपके घर को महकाती रहती है, और ज़मीन में ये 12 से 15 इंच ज़मीन में भी लग जाती है, और 12 से 15 इंच तक के गमले में अगर आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं। बड़े गमले में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होगी और ज़्यादा फैलेगी। तो इस तरीके से देखिए पहले इसके वाइट कलर के फ्लावर होते हैं और फिर वो धीरे धीरे चेंज होते हैं रेड कलर में। तो नेक्स्ट जो आता है मैंडेविलिया वाइन है। ये भी वाइन जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर फ्लावर्स वाली है, मैंडेविला वाइन बोलते हैं इसको, और ये मेरे पास नहीं है लेकिन ये भी वाइन है, बहुत अच्छी वाइन है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इसमें वाइट कलर आता है, रेड कलर आता है, पिंक कलर आता है, बहुत सारे कलर्स आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो मैंडेविला वाइन भी आप ले सकते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर्स है।
नेक्स्ट जो आती है फ्लेम वाइन है। फ्लेम वाइन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर आप भी इस तरीके से घरों में बालकनी में लगाना चाहते हैं तो फ्लेम वाइन जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें देखिए ऑरेंज और येलो कलर का मिक्सचर होता है और इस तरीके से आपके घर में ये जो वाइन है वो लटकती है और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लेम्स की तरह लगते हैं, आग की लपटों की तरह लगते हैं, उस वैसा ही कलर होता है, इसलिए इसे फ्लेम वाइन कहा जाता है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये भी। तो ये भी वाइन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसे गमले में लगाना चाहें तो बड़ा गमला दीजिएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ब्लीडिंग हार्ट वाइन। ब्लीडिंग हार्ट वाइन जो है ये सबसे सुंदर सी वाइन होती है। इसके जो फूलों का कलर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसमें रेड कलर का छोटा सा एक फ्लावर निकलता है और बहुत ज़्यादा सुंदर से फ्लावर्स होते हैं और ब्लीडिंग हार्ट शेप में होते हैं, इसलिए इसे ब्लीडिंग हार्ट वाइन कहा जाता है। और ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले और बहुत ज़्यादा सुंदरता फैलाने वाला एक वाइन है या बेल कहा जा सकता है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसे भी आप अगर लगाएं तो थोड़े बड़े गमले में लगाइएगा, 10 इंच से अबव हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी बालकनी में या फिर छतों पर कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ इसे ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन में भी ये लग जाता है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो प्लांट है या वाइन है वो है अलमांडा वाइन। अलमांडा वाइन जो होती है उसमें बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, येलो कलर से लेकर पिंक, रेड और मरून, बहुत सारे कलर्स में मिलती है। इसे भी आप वॉल पर वॉल के सपोर्ट से बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये कवर कर लेती है। और अलमांडा जो वाइन होती है वो आप अगर ज़मीन में लगा कर छत पर भी भेजना चाहते हैं तो उसे रस्सी से आप सपोर्ट दे के आगे ग्रो करवा सकते हैं। इन सारी वाइन्स को बहुत अच्छे से आपके घर को जो है वो डेकोर कर देती है ये। और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अलमांडा वाइन जो है ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है बालकनी और टेरेस को सुंदर बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए और गार्डन में फ्लावर्स वाले प्लांट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें देखिए ये वाला कलर भी आता है, अगर आप चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं। जो अब नेक्स्ट प्लांट है वो ये है जैस्मिन या स्टार जैस्मिन वाइन बोल सकते हैं इसे। स्टार जैस्मिन वाइन भी देखिए वॉल पर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो वॉल डेकोर करना है तो आप स्टार जैस्मिन वाइन भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं, आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ये पूरा जो वॉल होती है उसको कवर कर देती है या जहाँ आप लगाएंगे उसको कवर कर लेगी और उसके स्टार जैसे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और 5 इसमें पत्तियां होती है फ्लावर में और इस तरीके से ये ग्रो होता है और बहुत अच्छे से फैल जाता है। जहाँ पे भी लगेगा ये बहुत ज़्यादा वाइट कलर को फैला देगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से देखिए इस तरीके से ग्रुपिंग में फ्लावरिंग होगी। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसे भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है बोगनवेलिया आप लगा सकते हैं। बोगनवेलिया भी अगर आप वॉल सपोर्ट पर लगाते हैं, दीवार का अगर सपोर्ट देते हैं इसे, तो ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छा सा ग्रो हो जाता है। वाइन की तरह ही लगता है, क्रिपर की तरह ही आगे फैलता रहता है। तो इसे भी इस लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। तो आज मैंने आपके साथ यही सारे प्लांट शेयर किए हैं, ऐसी वाइन्स या क्रिपर्स जिनको आप लगा कर अपने गार्डन की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे कलरफुल प्लांट्स है ये। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।